नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः का मतलब, जैसे योग और गुणनफल लिखा, इसका मतलब ये जो पहली संख्या है ये है योग और ये जो दूसरी संख्या है ये है गुणनफल। ठीक है बच्चों, तो योग इंग्लिश में योग होता है सम, तो एस से डिनोट करते हैं योग और पी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी गुणनफल। तो अब ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन के हिसाब से पहला है योग यानी एस आ गया 1/4, पी है प्रोडक्ट यानी -1। ठीक है बच्चों, तो ये किसका योग और गुणनफल है? एक बहुपद हमने बनाना है उसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया है, तो हमें बहुपद बनाना है। तो बच्चों ध्यान रखना, आप याद रखना, ये फार्मूला आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों के योग और गुणनफल दिए हैं और हमें बहुपद निकालना हो तो बहुपद के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो होता है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, बहुपद किसके बराबर है? एक्स स्क्वेयर माइनस एस। एस हमें देखो दिया हुआ ना 1/4, इसके साथ है एक्स प्लस पी, पी हमें दिया हुआ है -1। अब हमें बच्चों इसको हल करना है, अभी ये हल नहीं हुआ, यहां इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है क्या मतलब यहां भी 1 है। तीनों का लघुत्तम ले लो, 1, 4 और 1 का जो लघुत्तम आएगा वो आ जाएगा 4। अब नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले से गुना हमने करनी है, 4 को 1 से भाग करेंगे 4, वो 4 ऊपर एक्स स्क्वेयर से गुना होगा तो बन जाएगा 4x2। बीच में माइनस का निशान है तो माइनस, 4 को 4 से भाग किया 1, वो 1 ऊपर 1 से गुना हो जाएगा तो बन जाएगा 1x। प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 को 1 से भाग किया 4, 4 को ऊपर 1 से गुना कर देंगे तो 4। ठीक है बच्चों, अब यदि हम इस बहुपद को, यदि हम इस बहुपद को 0 के बराबर मानते तो ये 4 जो है ये इधर 0 के साथ गुना होके 0 बन जाएगा, ये 4 जो है ये इधर 0 के साथ गुना होके 0 बन जाएगा, बाकी जो हमारे पास बच जाएगा वो बच जाएगा 4x2 माइनस 1x माइनस 4। यही हमारा बहुपद है जो हमें निकालना था। ठीक है बच्चों, ये इसको करने का तरीका है। आओ मैं आपको एक और भाग करवाता हूं, इसका दूसरा भाग देखिए, ये है √2, 1/3। ये हमें क्या दिए हुए हैं बच्चों? हमने अभी दिखाया आपको, पहला नंबर जो है वो है सम यानी सम है √2, दूसरा नंबर है प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट है 1/3, और बहुपद किसके बराबर है? अभी मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया, देखो एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एस की जगह क्या लिखना है? √2 × x प्लस पी की जगह लिखना है 1/3। अब हमें इसको हल करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, हमें तीनों का लघुत्तम लेना है, 3, 1 और 1 का जो लघुत्तम आएगा वो आ जाएगा 3। 3 को 1 से, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, 3 को 1 से भाग किया 3, 3 को ऊपर एक्स स्क्वेयर से गुना कर देंगे 3x2। फिर से बीच में है माइनस माइनस, 3 को 1 से भाग किया 3, 3 को ऊपर √2x से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3√2x। ठीक है, कोई बात नहीं, रूट आ रहा आने दो, प्लस का निशान है तो प्लस, 3 को 3 से भाग किया 1, 1 को ऊपर 1 से गुना कर दिया तो 1। अब फिर से पिछले स्टेप की तरह, यदि हम इसको 0 के बराबर रखते तो ये 3 इधर 0 के साथ गुना होके बन जाएगा 0। ठीक है, बाकी जो हमारे पास बच जाएगा वो बच जाएगा 3x2 माइनस 3√2x प्लस 1। यही हमारा बहुपद है जो हमें निकालना है। इसका तीसरा भाग देखते हैं हम,
तीसरा भाग फिर से फैलें वही बात, सम किसके बराबर है, पहला नंबर सम होता है, दूसरा नंबर प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट दिया हुआ है रूट पांच, ठीक है। और जो हमारा बहुपद है वो बराबर है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी के, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एस, एस कितना है जीरो, इंटू एक्स प्लस पी, पी कितना है रूट पांच। ध्यान से देखना बच्चों, एक्स स्क्वेयर ऐसे ही आ गया, जीरो को एक्स से गुना करेंगे तो जीरो, यानी ये रकम जो है, ये जो आपकी रकम है जीरो इंटू एक्स, ये तो बन जाएगी जीरो, तो इसको नहीं लिखना, आगे रह गया रूट प्लस रूट पांच, एक्स स्क्वेयर प्लस रूट पांच, सॉरी ये पंद्रह गलती से लिखा गया रूट पांच। तो ये जो है यही हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस रूट पांच, यही हमारा बहुपद है जो हमें निकालना है। अगला भाग देखते हैं, सम दिया हुआ है एक, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है एक, बहुपद किसके बराबर होता है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी के बराबर, ये फाइव नहीं है एस है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, क्यों लिखा क्योंकि एस वन के बराबर है और पी, पी भी कितना है वन, ठीक है। तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस वन इंटू एक्स होता है एक्स प्लस वन, यही जो है हमारा बहुपद है, हमने बहुपद ही निकालना था। अब हम इसका पांचवा भाग देखते हैं फटाफट से, एस बराबर है माइनस एक बटा चार, प्रोडक्ट बराबर है एक बटा चार के, तो सबसे पहले बहुपद, बहुपद बराबर है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी के, ठीक है बच्चों। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एस, एक माइनस तो ये इसकी वजह से आया और एक एस के साथ भी माइनस है, तो ये ऐसे आएगा, दो निशान समझ आ गया, एक माइनस फॉर्मूले में था, एक एस के साथ भी माइनस है वो भी आएगा, प्लस पी, पी है एक बटा चार। अब वही बात, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन, एक चार और चार का लघुत्तम लेंगे वो आ जाएगा चार, चार को एक से भाग किया चार, उस चार को ऊपर एक्स स्क्वेयर से गुना कर देंगे जो आ जाएगा चार एक्स स्क्वेयर, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, चार को चार से भाग किया एक, उस एक को ऊपर एक से गुना करेंगे तो आ जाएगा एक, इसके साथ सॉरी एक्स भी था, प्लस चार को चार से भाग किया एक, उस एक को ऊपर एक से गुना किया तो एक। अब अगेन फिर वही बात, यहां पर बटा चार है, यदि हमें इसको जीरो के बराबर पुट करता तो ये यहां पे गुना चार होकर जीरो गुना चार जीरो बन जाता, बाकी मेरे पास बच जाता चार एक्स स्क्वेयर प्लस वन एक्स प्लस वन, यही मेरा बहुपद है, यही हमारा बहुपद है जो हमें निकालना था, ठीक है। इसका एक भाग और है, चार कोमा एक, फिर से एस बराबर चार, पहली रकम जो है सम है, दूसरा रकम प्रोडक्ट है, पी बराबर एक, बहुपद किसके बराबर है, बहुपद का फॉर्मूला है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी के, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एस, एस है चार एक्स प्लस पी है वन के बराबर, ठीक है बच्चों। तो ये जो था एक्स स्क्वेयर, अब इसमें बटा में कुछ नहीं है ना, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो यही हमारे पास एक बहुपद आ गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ आया होगा, कहीं से भी आपको समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा पीछे रिवाइंड करके आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।